हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मलाई से बेसन के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं 2 कटोरी बेसन लूंगी। बेसन को मैं मीडियम आंच पे 5-7 मिनट के लिए भूनूंगी। 5 मिनट हो गए हैं बेसन को भूनते हुए। अब हम इसमें ये 1 कटोरी मलाई डाल देंगे और मलाई के अंदर भी हम इसको 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। इसमें बेसन को हम देखिए, बेसन को हमने 5-6 मिनट मलाई में भून लिया है। हमारा बेसन बिल्कुल भून गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें बूरा मिलाएंगे। ये देखिए, बेसन हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी बूरा मिला देंगे और ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स ये मल देंगे हम और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लड्डू बनाते समय अगर आपके लड्डू थोड़े है सूखे सूखे लगे तो थोड़ा और मलाई मिला सकते हो आप। इसके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।